तो हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 51 की, मटेरियल साइंस की। क्वेश्चन 51 कह रहा है कि द स्टील स्क्रैप एडेड इन द चार्ज ऑफ कपोला कंट्रोल्स द ग्रेड ऑफ कास्ट आयरन प्रोड्यूस। आपको बताना है कि स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। द स्टील स्क्रैप एडेड इन द चार्ज ऑफ कपोला कंट्रोल्स द ग्रेड ऑफ कास्ट आयरन प्रोड्यूस। व्हाट इज द राइट आंसर 51 का? दैट इज राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द स्टील स्क्रैप एडेड इन द चार्ज ऑफ कपोला कंट्रोल्स द ग्रेड ऑफ द कास्ट आयरन प्रोड्यूस। दैट इज द स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 52, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कास्ट आयरन इज डैस दैट ऑफ इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। आपको बताना है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है कास्ट आयरन की, वो क्या इक्वल है, लेस देन या मोर देन है टेंसाइल स्ट्रेंथ से। व्हाट इज द राइट आंसर इज 52 का सी। दैट मीन्स मोर देन, यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कास्ट आयरन इज मोर देन ऑफ इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्वेश्चन 53, सिलिकॉन इन कास्ट आयरन। आपको बताना है कि सिलिकॉन इन कास्ट आयरन क्या करता है, मेक्स द आयरन सॉफ्ट एंड इजिली मशीनेबल करता है, या इंक्रीज हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस, मेक्स द आयरन वाइट एंड हार्ड, एंड एड्स फ्यूजिबिलिटी एंड फ्लूडिटी। व्हाट इज द राइट आंसर सिलिकॉन इन कास्ट आयरन। दैट इज 53 का ए। दैट मीन्स मेक्स द आयरन सॉफ्ट एंड इजिली मशीनेबल। सिलिकॉन इन कास्ट आयरन दैट इज मेक्स द आयरन सॉफ्ट एंड इजीली मशीनेबल। क्वेश्चन 54, सल्फर इन कास्ट आयरन। सल्फर इन कास्ट आयरन क्या करता है, आपको बताना है ए, मेक्स आयरन सॉफ्ट एंड इजिली मशीनेबल करता है, या इंक्रीज हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस, या मेक्स द आयरन वाइट एंड हार्ड एंड एड्स फ्यूजिबिलिटी। सल्फर का एडिशन पे क्या होगा, राइट आंसर 54 का बी। दैट मीन्स इंक्रीज द हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस। अगर हम सल्फर को एड ऑन करते हैं कास्ट आयरन में, तो वो इंक्रीज होगी हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस। 55, चिल्ड कास्ट आयरन इज प्रोड्यूस्ड। चिल्ड कास्ट आयरन इज प्रोड्यूस्ड बताना है आपको, बाय एडिंग मैग्नीशियम टू द मॉल्टन कास्ट आयरन, बाय क्विकिंग कूलिंग ऑफ मॉल्टन कास्ट आयरन, या फ्रॉम वाइट कास्ट आयरन, बाय एनिलिंग प्रोसेस, एंड नन ऑफ दीस। व्हाट इज द राइट आंसर, चिल्ड कास्ट आयरन इज प्रोड्यूस्ड। 55 का राइट आंसर है, दैट इज योर बी। That means chilled cast iron is produced by quick cooling of molten cast iron. Chilled cast iron is produced by quick cooling of molten cast iron. Question number 56 here padhte hain. White cast iron has a high tensile strength and a low compressive strength. Aapko batana hai ki statement right hai ya wrong hai. White cast iron has a higher tensile strength and low compressive strength. What is the right answer? 56 ka. That is right answer is A. That means, yes, this is a statement is true. White cast iron has the high tensile strength and low compressive strength. Next question, question 57. Nodular cast iron is produced by adding DAS to the molten cast iron. क्या होगा, right answer बताना है कि nodular cast iron is produced by adding, क्या होगा, nickel का addition या chromium या copper या magnesium. That is magnesium. Nodular cast iron is produced by adding मैग्नीशियम टू द मॉल्टन कास्ट आयरन। क्वेश्चन 58, मेलेबल कास्ट आयरन इज प्रोड्यूस। आपको बताना है कि मेलेबल कास्ट आयरन इज प्रोड्यूस बाय एडिंग मैग्नीशियम टू मॉल्टन कास्ट आयरन, बाय क्विक कूलिंग ऑफ मॉल्टन कास्ट आयरन, या फ्रॉम व्हाइट कास्ट आयरन, बाय एनिलिंग प्रोसेस, एंड नन ऑफ दिस। मेलेबल कास्ट आयरन इज प्रोड्यूस, राइट आंसर हो जाएगा 58 का, दैट इज योर सी। दैट मीन्स अगर मेलेबल कास्ट आयरन जो होगा वो प्रोड्यूस होगा अगर फ्रॉम व्हाइट कास्ट आयरन बाय एनिलिंग प्रोसेस, यानी फ्रॉम व्हाइट कास्ट आयरन बाय एनिलिंग प्रोसेस के थ्रू हमें मेलेबल कास्ट आयरन मिलेगा। क्वेश्चन 59, व्हेन एलिमेंट्स लाइक निकिल क्रोमियम कॉपर एंड मॉलिब्डेनम्स आर एडेड टू द मॉल्टन कास्ट आयरन इट प्रोड्यूस। क्या होगा, आपको बताना है कि व्हाइट कास्ट आयरन होगा कि नोडुलर कास्ट आयरन होगा या मेलेबल कास्ट आयरन होगा या अलॉय ऑफ कास्ट आयरन। व्हेन एलिमेंट्स लाइक निकिल क्रोमियम कॉपर और मॉलिब्डेनम आर एडेड टू द मॉल्टन कास्ट आयरन, राइट आंसर इज 59 का डी। दैट मीन्स अलॉय कास्ट आयरन, यानी अलॉय कास्ट आयरन हमें कब मिलेगा, जब एलिमेंट्स जैसे निकिल क्रोमियम कॉपर एंड मॉलिब्डेनम आर एडेड करेंगे। क्वेश्चन 60, द एडिशन ऑफ मैग्नीशियम टू कास्ट आयरन इंक्रीज इट्स। अगर हम एडिशन कर रहे हैं ऑफ मैग्नीशियम टू कास्ट आयरन में, तो क्या बढ़ेगा, हार्डनेस बढ़ेगा कि डक्टिलिटी बढ़ेगी कि क्रोजन रेजिस्टेंस एंड क्रीप स्ट्रेंथ।
व्हाट इज द राइट आंसर 60 का, दैट इज 60 का बी, दैट मीन्स डक्टिलिटी एंड स्ट्रेंथ इन टेंशन. द एडिशन ऑफ मैग्नीशियम टू कास्ट आयरन इंक्रीज इट्स डक्टिलिटी एंड स्ट्रेंथ इन टेंशन. क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्योरिटी इन कास्ट आयरन टेक्स इट्स हार्ड एंड ब्रिटल. क्या राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 61 बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्योरिटी इन कास्ट आयरन मेक्स इट हार्ड एंड ब्रिटल. व्हाट इज द राइट आंसर 61 का राइट आंसर हो जाएगा दैट इज योर बी, दैट मीन्स सल्फर. सल्फर को अगर हम सल्फर इम्प्योरिटीज को हम एड ऑन करते हैं सल्फर इम्प्योरिटी इन कास्ट आयरन मेक्स इट्स हार्ड एंड ब्रिटल. क्वेश्चन 62, ग्रे कास्ट आयरन हैज, ग्रे कास्ट आयरन का बताना है क्या होता है प्रॉपर्टी, दैट इज कार्बन इन द फॉर्म ऑफ फ्री ग्रेफाइट, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड ऑल ऑफ दीज. व्हाट इज द राइट आंसर इज ग्रे कास्ट आयरन हैज 62 का, दैट इज ए, दैट मीन्स कार्बन इन द फॉर्म ऑफ फ्री ग्रेफाइट. ग्रे कास्ट आयरन हैज कार्बन इन द फॉर्म ऑफ फ्री ग्रेफाइट. द ग्रे कास्ट आयरन हैज 62 का राइट आंसर था 62 राइट आंसर दैट इज ए, दैट मीन्स कार्बन इन द फॉर्म ऑफ फ्री ग्रेफाइट. ग्रे कास्ट आयरन हैज द कार्बन इन द फॉर्म ऑफ फ्री ग्रेफाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि व्हेन फिलिंग या मशीनिंग कास्ट आयरन मेक्स आवर हैंड्स ब्लैक देन इट शोज दैट डैश प्रेजेंट इन आयरन कास्ट आयरन. आपको बताना है कि व्हेन फिलिंग और मशीनिंग कास्ट आयरन मेक्स आवर हैंड्स ब्लैक व्हेन इट शोज दैट डैश इज प्रेजेंट इन कास्ट आयरन सीमेंटाइट या फ्री ग्रेफाइट. व्हाट इज द राइट आंसर 63 का, 63 का राइट आंसर है बी, दैट मीन्स फ्री ग्रेफाइट. व्हेन फिलिंग या मशीनिंग कास्ट आयरन मेक्स आवर हैंड्स ब्लैक देन इट शोज दैट फ्री ग्रेफाइट इज प्रेजेंट इन कास्ट आयरन. क्वेश्चन 64, अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन कास्ट आयरन डिजाइनेटेड बाय FG150 मींस क्या होगा. आपको बताना है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन कास्ट आयरन डिजाइनेटेड बाय FG150 का मतलब क्या है. व्हाइट कास्ट आयरन विद BHN150 या व्हाइट कास्ट आयरन विद 150 MPa या ग्रे कास्ट आयरन विद BHN150 या ग्रे कास्ट आयरन विद 150 MPa. व्हाट इज द राइट आंसर 64 का, दैट इज योर डी. 64 का डी, दैट मीन्स अगर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो कास्ट आयरन जो डिजाइनेटेड बाय FG का मतलब हो जाएगा यहाँ पर कि जो ग्रे कास्ट आयरन है विद 150 MPa एज द मिनिमम टेंशाइल स्ट्रेंथ, दैट इज ग्रे कास्ट आयरन हैज 150 MPa एज मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ. क्वेश्चन नंबर 65 पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाइट कास्ट आयरन हैज, व्हाइट कास्ट आयरन में क्या है. आपको बताना है कि कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट या हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ या लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या ऑल ऑफ दीज. व्हाट इज द राइट आंसर 65 का, तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा डी, दैट मीन्स ऑल ऑफ दीज, यानी व्हाइट कास्ट आयरन होगा तो दैट इज कार्बन इन द फॉर्म ऑफ फ्री फॉर्म ऑफ कार्बाइड, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. ये तीनों चीज मिलेंगे, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, कार्बाइड, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, दैट इज राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 66 कह रहा है कि अगर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो उसमें कैपिटल SG400/15 का मतलब क्या है. आपको बताना है इसका मतलब क्या है. SG415 मींस इसका मतलब बताना है कि ऑप्शन है पहला कि स्पोटाइडल ग्रेफाइट कास्ट आयरन विद BHN400 एंड मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ 115 MPa, स्पोटाइडल ग्रेफाइट कास्ट आयरन विद मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ 400 MPa एंड 15% एलॉन्गेशन, स्पेराइडल ग्रेफाइट कास्ट आयरन विद मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 400 MPa एंड 15% रिडक्शन इन एरिया. क्या होगा राइट आंसर 66 का, 66 का राइट आंसर होगा दैट इज योर बी, यानी SG415 का मतलब होगा स्पेराइडल ग्रेफाइट कास्ट आयरन विद मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ 400 MPa और 15% इलांगेशन. 15% यहाँ पे इलांगेशन को शो कर रहा है, 15% इलांगेशन और 400 MPa जो है हमें यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेंथ को शो कर. क्वेश्चन 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्योरिटीज इन द कास्ट आयरन प्रमोट्स ग्रेफाइट नोड्यूल फॉर्मेशन एंड इंक्रीज द फ्लूडिटी ऑफ द मॉल्टन मेटल. क्या होगा राइट आंसर, सिलिकॉन, सल्फर, मैंगनीज या फॉस्फोरस. 67 का राइट आंसर दैट इज योर ए, दैट मीन्स सिलिकॉन.
सिलिकॉन जो इम्प्योरिटी है इन द कास्ट आयरन प्रमोट्स करता है ग्रेफाइट नोड्यूल फॉर्मेशन और इंक्रीज करता है फ्लूडिटी इन द मॉल्टन मेटल। अब आपको बताना है कि इस क्वेश्चन 68 में कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पर चार स्टेटमेंट लिखे, इनमें बताना है कौन सा करेक्ट है। कि द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय ब्लास्ट फर्नेस इज कॉल्ड कास्ट आयरन, द पिग आयरन इज द नेम गिवन टू द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय कोपोला, एंड द कास्ट आयरन हैज टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड द चिल्ड कास्ट आयरन हैज नो ग्रेफाइट। आपको बताना है कि चार में से कौन सा सही आंसर होगा। दैट इज 68 का राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज योर डी। दैट मीन्स द चिल्ड कास्ट आयरन हैज नो ग्रेफाइट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट इज योर द चिल्ड कास्ट आयरन हैज नो ग्रेफाइट। क्वेश्चन 69, ग्रे कास्ट आयरन इज डैश व्हाइट कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन इज डैश देन व्हाइट कास्ट आयरन, सॉफ्टर या हार्डर। व्हाट इज द राइट आंसर 69 का, दैट इज योर ए। That means softer. Grey cast iron is softer than the white cast iron. Question 70. Spiral dial grey cast iron has the graphite flakes. True or false? Spiral dial grey cast iron has the graphite flakes. True or false? What is the right answer? Is 70 ka? That is A. True. Spiral dial grey cast iron has the graphite flakes. True. Question 71, which of the following display property similar to that of steel? क्या होगा? Right answer, black hard cast iron, white cast iron, and both A and B and none of these. What is the right answer? 71 का, that is C. यानी both A and B, यानी black hard cast iron and white hard cast iron. Question 72, for the pipe fitting like elbow, T, union, etc, which of the following is preferred? Pig iron, malleable iron, spheroidal graphite cast iron and high carbon steel. क्या होगा राइट आंसर? आपको बताना है कि फॉर द पाइप फिटिंग लाइक एल्बो टी यूनियन ई टी सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके 72 का बी, दैट इज मेलेबल आयरन। राइट आंसर हो जाएगा मेलेबल आयरन फॉर द पाइप फिटिंग लाइक एल्बो टी यूनियन ई टी सी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेफर्ड इज मेलेबल आयरन। क्वेश्चन 73, द परसेंटेज कार्बन कंटेंट इन द रॉट आयरन इज अबाउट कितना होता है? वो होता है ना परसेंटेज कार्बन कंटेंट इन रॉट आयरन 0.02, 0.1, 0.2 एंड 0.4। व्हाट इज द राइट आंसर? इज 73 का, दैट इज द राइट आंसर इज ए। दैट मींस 0.02 द परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट इन रॉट आयरन इज अबाउट 0.02। क्वेश्चन 74, द रॉट आयरन इज कैसा है? आपका इज डक्टाइल मटेरियल, कैन बी ईजिली फोर्ज या वेल्डेड एंड कैन नॉट स्टैंड सडन एंड एक्सेसिव शॉक एंड ऑल ऑफ दिस। व्हाट इज द राइट आंसर? इज 74 का राइट आंसर है, दैट इज योर डी। दैट मीन्स रॉट आयरन हैज, रॉट आयरन में क्या होगा? दैट इज उसमें डक्टाइल मटेरियल भी है, कैन ईजिली फोर्ज या वेल्डेड भी है और कैन नॉट स्टैंड सडन एंड एक्सेसिव शॉक, दैट इज ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन 75, द स्टील कंटेनिंग अप टू 0.15% कार्बन इज नोन एज, क्या कहलाता है? जो स्टील कंटेनिंग अप टू 0.15% कार्बन इज नोन एज माइल्ड स्टील, डेड माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील। व्हाट इज द राइट आंसर? इज 75 का, दैट इज योर बी। 75 का बी, दैट मींस डेड माइल्ड स्टील, स्टील कंटेनिंग अप टू 0.15% कार्बन इज नोन एज डेड माइल्ड स्टील। क्वेश्चन 76, स्टील कंटेनिंग 0.8 टू 1.5% कार्बन इज नोन एज माइल्ड स्टील, डेड माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील। 76 का राइट आंसर, दैट इज योर डी, दैट इज हाई कार्बन स्टील। स्टील कंटेनिंग 0.8 टू 1.5% कार्बन इज नोन एज, व्हाट इज राइट आंसर? इज 76 का डी, दैट इज डी। दैट मीन्स हाई कार्बन स्टील, यानी स्टील जो कंटेनिंग कर रहा है 0.8 से 1.5% कार्बन, वो कहलाएगा हमारा हाई कार्बन स्टील। क्वेश्चन 77 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन बताना है कि प्लेन कार्बन स्टील डिजाइनेड बाय दिस देन कार्बन कंटेंट इज कितना होगा इसका? 77 का राइट आंसर, दैट इज योर बी। दैट मींस 0.35 टू 0.45% इंडियन प्लेन कार्बन स्टील में डिजाइनेड बाय दिस, तो 0.35 से लेकर 0.45%। क्वेश्चन 78, द ब्राउन स्मोक ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ बेसिमर कन्वर्टर इंडिकेट दैट द ब्राउन स्मोक ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ बेसिमर कन्वर्टर
इंडिकेट करता है क्या? राइट आंसर हो जाएगा 78 का, दैट इज योर ए। दैट मीन्स एयर इज बर्निंग आउट सिलिकॉन एंड मैगनीज द ब्राउन स्मोक ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ बेसमर कन्वर्टर इंडिकेट करता है, दैट इज योर एयर। दैट इज व्हाट इज राइट आंसर 78 का राइट आंसर क्या था? 78 का राइट आंसर था दैट इज योर ए। दैट मीन्स एयर इज बर्निंग आउट सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। क्वेश्चन 79 आपको बताना है, फिल द ब्लैंक्स। दैट इज द स्टील प्रोड्यूस्ड बाय अ सीमेंटेशन प्रोसेस इज नोन एज डैश स्टील। द स्टील प्रोड्यूस्ड बाय सीमेंटेशन प्रोसेस इज नोन एज डैश स्टील। योर राइट आंसर दैट इज योर 79 का राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ए। दिस दैट मीन्स ब्लिस्टर, ब्लिस्टर स्टील। द स्टील प्रोड्यूस्ड बाय अ सीमेंटेशन प्रोसेस इज नोन एज अ ब्लिस्टर स्टील। क्वेश्चन नंबर 80। ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ बेसमर कन्वर्टर द वाइट फ्लेम इंडिकेट्स दैट द सिलिकॉन्स एंड मैंगनीज सिलिकॉन मैंगनीज एज बर्न एंड कार्बन हैज स्टार्टेड ऑक्सीडाइज। व्हाट इज द स्टेटमेंट? एग्री या डिसएग्री? दैट इज योर 80 का ए। That is your agree. Question 81. The dying down of a white flame during the operation of Bessemer converter indicates that the air is burning out silicon and manganese. Yes, yeah, no. That is your statement. That is 81 ka. That is B. That means no. This statement is wrong. That is no. Question 82. The red flame during the operation of Bessemer converter indicates that the जो रेड फ्लेम है ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ बेसमर कन्वर्टर वो क्या इंडिकेट करता है? दैट इज योर 82 का राइट आंसर हो जाएगा डी। दैट मीन्स रेड फ्लेम डज नॉट अकर ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ बेसमर कन्वर्टर। डज नॉट, रेड फ्लेम जो है वो हमारा डज नॉट अकर ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ बेसमर प्रोसेस। क्वेश्चन 83 आपको बताना है कि इन एसिडिक बेसमर प्रोसेस द फर्नेस इज लाइंड विद सिल्का ऑब्रिक्स या मिक्सचर ऑफ टार या आइदर ए और बी। व्हाट इज द राइट आंसर 83 का? That is A. That means in acidic Bessemer process, the furnace is lined with silica bricks. Question 84. अगर बात करें basic in basic Bessemer process की, तो furnace is lined with किससे? Through a silica bricks या mixture of tar and burn dolomite. Either A or B. What is the right answer? 84 का. That is 84 का right answer जाएगा B. That means a mixture of tar and burn dolomite. This. 85. The acidic Bessemer process is suitable for the producing steel from pig iron containing quantities of phosphorus. आपको बताना statement right है या wrong है? Question 85 का. That is your B. That means wrong. ये statement wrong है. आगे बढ़ते हैं question 86 की ओर. तो which of the following process of steel making in operation at Tata Iron and Steel in Jamshedpur? क्या होगा right? कौन सा है? 86 का right answer क्या हो जाएगा? That is your C. That means duplex process. कौन सा process है? Duplex process. A duplex process में क्या होता है? आपको बताना right answer. Duplex process of a steel making is a combination of किसका होगा? A, B, C, D में कौन सा होगा? Basic Bessemer या acidic open acid open hearth process या acid Bessemer and basic open hearth process, acid Bessemer and acid open hearth process and basic Bessemer and basic open hearth process. What is the right answer? 87 का B. That is your acid Bessemer and basic open hearth process. That is the duplex process of steel making is a combination of acid Bessemer process and basic. 87 the right answer. That is your B. That means acid Bessemer. ध्यान रखिएगा और basic open hearth process जो होगा वो duplex process. इसमें 88 आपको बताना कि the phosphorus or and sulfur of in a steel making can be removed by using basic Bessemer process. Correct है या incorrect है? 88 का that is your A. That means correct statement है कि जो phosphorus और sulfur है in steel making can be removed by using basic Bessemer process. That is correct. 89. The steel produced by Bessemer or open hearth process is dash that produced by LD process. Superior या inferior? What is the right answer is 89 का that is your B. That was inferior. And the steel produced by Bessemer या open hearth process is inferior to that produced by LD process. Question 90. The electric process of steel making is specially adopted to
द इलेक्ट्रिक प्रोसेस ऑफ स्टील मेकिंग इज स्पेशली अडॉप्टेड टू, क्या होगा राइट आंसर? एलॉयिंग एंड कार्बन टूल स्टील, या मैग्नेट स्टील, या हाई स्पीड टूल स्टील, या ऑल ऑफ दिस? व्हाट इज द राइट आंसर? इज 90 का, दैट इज डी. दैट मीन्स ऑल ऑफ दिस, यानी जो इलेक्ट्रिक प्रोसेस ऑफ स्टील मेकिंग इज स्पेशली अडॉप्टेड टू एलॉय और कार्बन टूल स्टील, मैग्नेट स्टील, या हाई स्पीड टूल स्टील. क्वेश्चन 91, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टील मेकिंग प्रोसेस इज बिंग adopted at Rourkela steel plant? kya hoga right answer? Bessemer process, open hearth process, electric process, ya LD process? what is the right answer? is 91 ka hoga, that is your D, that means LD process. question 92 aapka kya hai? silicon is added in a low carbon steel too. what is the right answer? that is your make the steel tougher and harder, make the steel good bending contour qualities and raise the yield point and all of these. 92 का राइट आंसर दैट इज ए. दैट मीन्स स्टील सिलिकॉन इज एडेड इन अ लो कार्बन स्टील टू मेक द स्टील टफर एंड हार्डर. 93, फास्फोरस इज एडेड इन अ लो कार्बन स्टील टू रेज इट्स यील्ड पॉइंट, ट्रू या फॉल्स? दैट इज योर 93 का, दैट इज ए. दैट मीन्स ट्रू, फास्फोरस इज एडेड इन अ लो कार्बन स्टील टू रेज द यील्ड पॉइंट. 94, मैग्नीज इज एडेड इन अ लो कार्बन स्टील टू, मैग्नीज को क्यों एड करते हैं लो कार्बन स्टील में? बताना है कि मेक द स्टील टफर एंड हार्डर, राइज द यील्ड पॉइंट, मेक द स्टील डक्टाइल एंड द गुड बेंडिंग क्वालिटीज एंड ऑल ऑफ द अबव. दैट इज योर 94 का सी. दैट मीन्स मेक्स द स्टील डक्टाइल एंड ऑफ गुड बेंडिंग क्वालिटीज. अगर मैग्नीज को हम ऐड कर रहे हैं लो कार्बन स्टील में तो मेक द स्टील डक्टाइल एंड ऑफ गुड बेंडिंग क्वालिटीज. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड इन अ लो कार्बन स्टील टू प्रिवेंट them from becoming a porous? That is your right answer, that is 95 by D. That means silicon is added in a low carbon steel to prevent them from becoming porous. 96, in low carbon steel DAS rises the yield point and improves the resistance to atmospheric corrosion. That is your 96 ka B. That means phosphorus in low carbon steel, phosphorus rises the yield point and improves the resistance to atmospheric corrosion. 97, which of the following when used in ordinary low carbon steel makes the metal ductile and of a good bending qualities? What is the right answer? 97 ka, that is your ka C. That means manganese. Which of the following when used in ordinary low carbon steel makes the metal ductile and of a good bending qualities? That is your manganese. 98, in low carbon steel presence of small quantities of sulfur improves kya kar raha hai, improves. 98 ka, that is your C. That means machinability. In low carbon steel presence of small quantities of sulfur improves machinability. 99, a carbon steel having Brinell hardness number 100 should have ultimate tensile strength closer to. What is the right answer? That is your 99 ka, that is your C. That means 350 newton per mm square, a carbon steel having Brinell hardness number 100 should have ultimate tensile strength closer to 350 and meter square mm square. Question 100, a steel alloying containing 36% nickel is called stainless steel, high speed steel, invar or heat resisting steel? That is right answer is C. That means invar, a steel alloying containing 36% nickel is called invar. Thanks for watching, sharing.